इंदौर में महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, उन्हें इसकी विधिवत ट्रेनिंग दी जा रही है। तेजाजी नगर स्थित वुमेन्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के तहत कई बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। यहां पर देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से यह आयोजन किया गया है। तेजाजी नगर क्षेत्र में लंबे समय से देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा बालिकाओं और अन्य विद्यार्थियों को खेल के साथ आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस एकेडमी के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर तेजाजी नगर में संचालक विक्रम सिंह देवड़ा ने आयोजन रखा। इस दौरान मास्टर सईद आलम सर ने भी सेल्फ डिफेंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आयोजन में अनुपमा दुबे, चांदनी अहिरवार, प्रियंका दरबार सहित कई विद्यार्थियों को ब्लू बेल्ट और ग्रीन बेल्ट सहित विभिन्न सम्मान से नवाजा गया। आयोजन में कांग्रेस नेता भरत पटवारी, मनस्वी पाटीदार, पद्म महेश्वर मौजूद थे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। सर, देवड़ा एकेडमी के कार्यक्रम में आज आप यहां पर आए हैं, सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का समापन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज सफलतापूर्वक देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी ने अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं और आज यहाँ हमारे बीच में सैयद आलम सर की मौजूदगी में और देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी के जो कोच है, संचालक है, ऐसे मेरे छोटे भाई विक्रम देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही गरिमामय समारोह में यहाँ पर बच्चों को बेल्ट से नवाजा गया माननीय सैयद आलम सर के द्वारा। और ये बधाई के पात्र हैं कि सेल्फ डिफेंस की एक बहुत ही, जो मैं कहूँगा कि एक अनिवार्य एक्टिविटी है, वो बच्चों को एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ से सैकड़ों बच्चे हर साल ट्रेन होकर के निकलते हैं। और सेल्फ डिफेंस आज मैं समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत ही आवश्यक है और इससे बच्चे अपने आप को सशक्त बनाते हैं और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय वो देते हैं। और देश के भविष्य अगर इस तरह से सेल्फ डिफेंस के प्रति जागरूक रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, तो मैं समझता हूँ भारत बहुत जल्दी सशक्त राष्ट्र बनेगा और भारत विश्वगुरु बनेगा। अगर आप युवाओं के अध्यक्ष हैं और सत्ताधारी पार्टी से आते हैं तो किस तरह से आप इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए शासन पर और ऊपर अपनी बात ले जाएंगे और किस तरह से मदद मिलेगी आप? जी देखिए, मैंने कहा कि खेल के प्रति और विशेष करके अगर सेल्फ डिफेंस, जो कि एक बहुत ही अनिवार्य एक्टिविटी है, उसके लिए जो भी हर संभव मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और उसके लिए हम लोग जिस भी माध्यम से आगे आ सकते हैं उसके लिए हम आगे आएंगे। आपका परिचय? मनस्वी पाटीदार, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा इंदौर। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है आपने, क्या कहेंगे आप देवड़ा एकेडमी के बारे में? देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी में बहुत अच्छे से सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है और मैंने यहीं से सिखाया है और मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि वो भी ये चीज़ सीखे, सेल्फ डिफेंस। जो घटनाएं हो रही है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, हाँ, किस तरह से फायदेमंद होती है ये ट्रेनिंग? सेल्फ डिफेंस सर, जब मैंने भी स्टार्टिंग में सीखा था तो मुझे नहीं पता था, मतलब मैं भी डरती थी कहीं आने जाने में, पर जैसे मैंने कुछ टेक्निक सीखी तो मुझे भी लगने लगा कि नहीं, सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज़ होती। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ काम में नहीं आएगा ये, पर जैसे ही मैंने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक यहाँ से ली तो मुझे लगा कि हाँ, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो हमें हर चीज़ पता होती, पहले से नॉलेज होता है कि हाँ, ऐसा होने वाला है, ऐसा कोई कर सकता है हमारे साथ, तो हमें इसे कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ सिखाई गई है। आपका परिचय? मेरा नाम चांदनी अहिरवार है और मैं अनुराधा नगर में रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।